Do you want to know? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मांडे का समोसा और पराठा समोसा। तो स्टफिंग मैंने पहले से तैयार कर ली है और इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर। तो सबसे पहले मांडे का पराठा समोसा बना लेंगे। तो पराठा समोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया हुआ है और 1 टेबल स्पून के करीब मैं नमक डालूंगी। और इसे पानी डालते हुए हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है। जिस तरीके से हम रोटी का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है और हम इसका पराठा तैयार करेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा डो। अब मैं थोड़ी सी एक पेड़ा उठाऊंगी, जिस तरीके से हम घर में पराठे बनाते हैं उसी तरीके से हम पेड़ा उठा के पराठे बनाएंगे। कई लोगों के घर में लच्छा पराठा बनता है, तिकोना पराठा बनता है, तो यहाँ पे मैं चौकोल पराठा बनाऊंगी। इसमें मैं लगा दूंगी तेल और ये रेसिपी है मेरी बड़ी बहन की और इस लॉकडाउन में उसने ये वाली रेसिपी मुझे सिखाया था। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो फिर मैंने ये वाली समोसे बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं 4 तरीके का मतलब इस तरीके से बेल के 4 भागों में मैं इसे कट कर लूंगी, इसे ऐसे। और एक इसे उठा के इसे मैं जो स्टफिंग मैंने तैयार की है, स्टफिंग की आपको वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कीमे का समोसा मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है तो सेम स्टफिंग है, सिर्फ मैंने तरीका अलग बताया है और थोड़ा सा डिफरेंस है टेस्ट में। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर मैं इसे इस तरीके से चारों कोने को पकड़ के फिर इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगी। तो इसी तरीके से मैं इसे एक साइड का थोड़ा थोड़ा पकड़ के इसे फोल्ड करके इसे मैं इस तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन दे दूंगी। जिन लोगों को ये डिज़ाइन बनाना नहीं आता है तो राउंड शेप में ऐसा ही कटर आता है, जैसे गुजिया बनती है वैसा ही कटर आता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसे राउंड शेप में आप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बना लिया है और तमाम सारे मैं समोसों को इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। काफ़ी वक्त से मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया था क्योंकि मेरे फ़ोन में मेरा जो एडिटिंग वगैरह जो मुझे करना पड़ता है एंड मेरा जो कैमरा वगैरह था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया है, मैंने दूसरा ले लिया है। तो मैंने 1 मंथ हो गया और ये रेसिपी मेरी बहुत पुरानी है, मैंने बकरीद से पहले से बना के ड्राफ्ट में रखा हुआ था, फिर उसके बाद मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया है। आज जाके मुझे फाइनली टाइम मिला है। इसे फ्राई करने के लिए बिल्कुल कम आंच में ही आपको फ्राई करना है, तेज आंच नहीं करना है क्योंकि कम आंच में आप इसे फ्राई करेंगे और ये बिल्कुल क्रिस्पी बनके तैयार होता है। तो ये तो रेसिपी है अप्पी की, जिन्होंने मेरे साथ ये रेसिपी शेयर किया और फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो थैंक यू अप्पी, और आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देख लेते हैं अब बनाएंगे हम मांडे का समोसा। और ये मांडे का समोसा रेसिपी किसकी है आगे आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये जो आटा है मैंने ये रोटी वाला आटा लिया है, नॉर्मल फ्रिज में ये रखा हुआ था, मैंने रात में सान के रख लिया था। तो ये फ्रिज में बचे हुए आटे रखे हुए थे, आप चाहे तो तुरंत ही आप आटे को डो बना के यूज कर सकते हैं। इसमें आप नमक डाल लें जब भी आप मांडे का समोसा बना रहे हैं, लेकिन ये फ्रिज में रखा हुआ था और हमें जल्दी थी क्योंकि रमजान के टाइम था, ये बकरीद का रोजा मैं रखी हुई थी तो अफ्तार में बनाना था, तो मैंने यही आटे से मैंने फिर बना लिया। और फिर एक सूखा मैदा लेंगे और उसकी हमें बनानी है लेई, जैसे हमें इसको चिपकाना है। तो ये हम बना लेंगे एक घोल की जैसे, बिल्कुल ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं इस घोल को तैयार कर लूँगी और इसे हम तैयार करेंगे सबसे पहले दोस्ती रोटी। तो दोस्ती रोटी काफ़ी लोगों को पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता है तो आइए देख लेते हैं कि दोस्ती रोटी किस तरीके से बनानी। बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के लेमू के साइज़ के हमें ये गोले लेने हैं, लेमू के साइज़ के हमें लोई ले लेनी है और उसके बाद इसे हम थोड़ा थोड़ा बेल कर उसमें हम तेल लगाएंगे और फिर एक साथ रख के हम इसे बेल लेंगे। तो ये रेसिपी जो है मेरी फूफी की है, जब इस बार लॉकडाउन में हम लोग घर में थे तो मतलब ना ही फूफी के घर जाना हो रहा था कि फूफी के हाथों की ये मांडा समोसा हम लोग खा पाएं। तो फिर हम लोग ने फूफी से फ़ोन पे पूछा और फूफी ने स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को बताया, फिर हम लोग ने घर में बनाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था।
फिर मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार अबू जर को भी बना के खिला दिया जाए। तो ये बहुत जबरदस्त बन के तैयार होता है, तो आप लोग भी अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा। और थैंक यू सो मच फूफी जो आपने ये रेसिपी हम लोग के साथ शेयर की। मैं आपने हमारे साथ शेयर की, मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे हम रख के इस तरीके से साइड साइड ऐसे हम बेलेंगे। ऐसे तो नॉर्मल इसे देसी घी लगा के मम्मी मेरी दोस्ती रोटी बनाती है, लेकिन यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ, तो मतलब मैं दोस्ती रोटी के तरीके से बना के, क्योंकि मुझे इसे फ्राई करना है तो मैं देसी घी नहीं लगा रही, तो इसे इस तरीके से बेल लेंगे और बिल्कुल पतला ही बेलना है। और इसका एक और आप की काम कर सकते हैं, जब ये से जब आप तवे पे डाले तो बिल्कुल एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड के लिए डाल के और तुरंत तुरंत आप इसे पलट दें। इसे तुरंत डालना, सिर्फ एक सेकंड ही आपको डाल रखना है और एक सेकंड के बाद इसे दूसरी तरफ को भी सेक लेना है। इस तरीके से दूसरी तरीके से सेक लेने के बाद इसे फिर हम इसे उतार लेंगे। आप इसी तरीके से समोसा पट्टी जो आती है आप वो भी तैयार कर सकते हैं। समोसा पट्टी, तो समोसा पट्टी भी आप इसे तैयार करते हैं। इसे हम इस तरीके से हटा लेंगे, दोनों को अलग कर लेंगे। आप मैदे से समोसा पट्टी इसी तरीके से बना सकते हैं और एक साफ सुथरी कैरी बैग में या फिर कंटेनर में रख के आप इसे जब भी यूज़ करने का मन करे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मार्केट में समोसा पट्टी आती है, बिल्कुल इसी तरीके से वो बनता है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ समोसे पट्टी की भी रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से दोनों को अलग करने के बाद इसे तीन हिस्सों में भी कट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं दो हिस्सों में कट करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा साइज चाहिए। तो अगर आप छोटे छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो आप इसे तीन हिस्सों में कर लें। फिर इसमें जो मेन काम होता है, इसके जो हमें जो इसे चिपकाना होता है, जहाँ भी खुला है आपको अच्छी तरीके से इसे चिपका देना है। अगर आपने एक भी कोने को छोड़ दिया, अगर कहीं से भी ये खुला हुआ रहा ना, तो फिर पूरा अंदर में तेल चला जाएगा और खाने में बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ खुला है आपको इसे लगाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से इसे आपको चिपकाना है। तो इस तरीके से मैं कर लूँगी, चिपका लूँगी, जिधर भी मुझे दिख रहा है तो मैं अच्छे से ये जो घोल मैंने तैयार किया है इसे मैं लगा लूँगी। बेसिकली ये जो काम करता है ये फेविक्विक का काम करता है चिपकाने के काम में। तो इस मांडे के समोसे को मैं इसे अच्छी तरीके से इसे चिपका लूँगी और ये भी है जो ये खुला हुआ है इसे भी मैं चिपका लूँगी। और इंशाल्लाह अब आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, हमसे जुड़िएगा, हमारा हौसला अफजाई करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जब भी बनाइएगा बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, बुशरा कुकिंग शुकिंग की तरीके से बनाइएगा। इसे भी हम बिल्कुल कम आँच में हम फ्राई करेंगे और इसे भी बिल्कुल तेज़ आँच में नहीं करना है, कम आँच पर ही हम करेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार होगा। बस तैयार है हमारा मांडे का समोसा और पराठे का समोसा। तो दोनों समोसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो बस आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए फिर आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी। और ये तैयार है हमारा मांडे का समोसा। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब किए, दुआ में याद रखिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।